नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत को पत्रकार उमेश कुमार पर राजद्रोह की एफआईआर करने के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने जारी किया नोटिस। उत्तराखंड पहुंचे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, आनंदा होटल में बिताएंगे सुकून के पल। योगी आदित्यनाथ के पैतृक गांव पंचूर में जश्न का माहौल, सफलता से गौरवान्वित हो रहे गुरुजन। हरिद्वार में दो वन तस्कर गिरफ्तार, लाखों रुपए की सागौन की लकड़ी बरामद। पत्रकार उमेश कुमार पर राजद्रोह की एफआईआर करने के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सहित अमृतेश चौहान को नोटिस जारी किया गया है। दरअसल वर्ष 2018 में तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र रावत पर पत्रकार उमेश कुमार ने आरोप लगाए थे कि रांची के पूर्व किसान मोर्चा अध्यक्ष अमृतेश चौहान ने नोटबंदी के दौरान त्रिवेंद्र रावत के रिश्तेदारों के खाते में घूस के पैसे जमा करवाए हैं। आरोप था कि जब त्रिवेंद्र रावत मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रभारी थे, तो उन्होंने अमृतेश को गौ सेवा सदन का अध्यक्ष बनाने की एवज में उससे 50 लाख रुपए घूस के रूप में लिए थे, जो कि अमृतेश ने त्रिवेंद्र रावत के कहने पर नोटबंदी के दौरान उनके रिश्तेदारों के खाते में जमा करवाए थे, जिस पर अमृतेश चौहान ने रांची में पत्रकार उमेश कुमार के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाया था। उमेश कुमार पर आरोप था कि उन्होंने झारखंड के एक नेता से उत्तराखंड की सरकार के खिलाफ साक्ष्य मांगे थे। झारखंड की राजधानी रांची के अरगोड़ा थाने में वहां के किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष अमृतेश सिंह की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि बाद में अमृतेश चौहान ने स्वयं ही तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र रावत पर घूस लेने के आरोप लगाए थे, जिस मामले के बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट ने त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ सीबीआई जांच करवाने के आदेश भी दिए थे। हालांकि इस पर मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं आपको बता दें कि अब पत्रकार उमेश कुमार पर राजद्रोह की एफआईआर करने के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सहित अमृतेश चौहान को नोटिस जारी किया है। सशस्त्र सीमा बल प्रशिक्षण केंद्र ग्वालदम में शुक्रवार को पासिंग आउट परेड में 9 महीने के कड़े प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षु से जवान बने 506 नव आरक्षियों ने देश की रक्षा की शपथ ली। यहां आयोजित पासिंग आउट परेड में सीआई जेवी एसएसबी ग्वालदम के उपमहानिरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। नव आरक्षियों ने मार्च पास्ट के बाद खुद को देश के नाम समर्पित करते हुए देश रक्षा की शपथ ली। पासिंग आउट परेड के बाद एसएसबी का हिस्सा बने नव आरक्षियों ने प्रशिक्षण के दौरान सीखे गए युद्धाभ्यास, जंगल युद्ध कला सहित सामूहिक व्यायाम, विभिन्न कलाओं का भी प्रदर्शन किया। बेसिकली ट्रेनिंग में हम तैयार करते हैं, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और फौज में आपको पता है कि अलग अलग किस्म की सिचुएशंस और विषम परिस्थितियां बनती हैं, और वहां आदमी को ड्यूटी करनी है। आप लगा लीजिए बॉर्डर ड्यूटीज़ हैं, आप लगा लीजिए अगर उग्रवाद क्षेत्र में अगर कहीं काम करना है या नक्सल विरोधी अभियानों में पार्टिसिपेट करना है, तो ये ट्रेनिंग हम इनको जो है मानसिक और शारीरिक तौर पर सशक्त करते हैं इनको। और इसके बाद ये किसी भी किस्म का चैलेंज अगर लाइफ में ये आता है ड्यूटीज़ के दौरान, तो उसको पूरी अपनी कैपेसिटी से कैपेबिलिटी से जो है इसको पूर्ण करते हैं ये। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ ने कल दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर उनकी कर्मभूमि से लेकर जन्मभूमि तक जश्न मनाया गया। योगी आदित्यनाथ के पैतृक गांव पंचूर में खुशी का माहौल देखने को मिला। योगी की मां, भाई बहन और तमाम गाँव के लोगों ने जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों की थाप पर योगी आदित्यनाथ के गाँव में होली खेली गई। सीएम योगी के घर पर बड़ी तादाद में लोग परिजनों को बधाई देने पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताजी सावित्री देवी और उनकी बहन शशि भी इस मौके पर खूब उत्साहित नजर आई। Thank you.
टमटा ने कुमाऊं के पर्वतीय जिलों में रेल की सौगात की मांग की है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों के सीमांत जिले तक टनल के माध्यम से रेल लाइन बिछाई जाएगी। उन्होंने काठगोदाम, टनकपुर और लालकुआं रेलवे स्टेशन से भी ट्रेनों का संचालन बढ़ाने की मांग की। अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद अजय टमटा ने कहा कि राज्य की जनता को रेलवे मंत्रालय से कई अपेक्षाएं हैं। उत्तराखंड सीमांत और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहां चीन, नेपाल और तिब्बत की सीमाएं हैं। पर्यटन और तीर्थाटन का प्रमुख केंद्र होने की वजह से लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्र अल्मोड़ा में एकमात्र रेलवे स्टेशन टनकपुर है। पूर्व में रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को काठगोदाम या लालकुआ रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था, जो काफी दूर है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से प्रयासरत है ये क्षेत्र, काफी आंदोलन हुए, काफी इस क्षेत्र की जनता की मांग भी रही है, और सीमांत क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण से इसके काम में तेज गति आ जाए, ये अपने आप से अनुरोध करना चाहता हूँ। चूंकि मेरा ये उत्तराखंड राज्य नेपाल, चाइना और तिब्बत के बॉर्डर से लगा है, सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, पर्यटन के क्षेत्र में भी उत्तराखंड राज्य के अंदर पूरे देश भर के लोग पर्यटन के लिए आते हैं, तीर्थाटन के लिए आते हैं, और उत्तराखंड राज्य से देश की सीमा की रक्षा के लिए भी हमारे सैनिक भाई लोग काम करते हैं, जिनको आवाजाही के लिए जो समय की कमी होती है, जो ट्रेन के माध्यम से उस कनेक्टिविटी को दूर कर सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर काम हो। रेल मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि टनकपुर रेलवे स्टेशन से राजधानी देहरादून हेतु एक शताब्दी और जनशताब्दी रेल लाइन का संचालन हो जाए तो उसका भी लाभ सीमांत क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्र को लोगों को मिलेगा भी, और देश भर के लोगों को भी पर्वतीय क्षेत्र में आने का, तीर्थाटन का, पर्यटन का आनंद भी ले सकेंगे। यह मेरा अनुरोध है। टनकपुर से चलने वाली पूर्णागिरी जनशताब्दी जो दिल्ली तक पहुंचने में 10-12 घंटे लेती है और इसमें कई स्टॉपेज हैं, मेरा मंत्री से अनुरोध है कि इस पर दोबारा से अध्ययन करा करके, क्योंकि इसका समय कम कर सकते हैं। 12 घंटे ट्रेन से जाने में लगते हैं, अगर बस से जाएं तो 8 घंटा लगते हैं, तो इस पर भी एक बार स्टडी कर ली जाए, इसका हम समय को बचा सकते हैं, लोगों को समय से पहुँचा सकते हैं। इस पर मैंने काफ़ी बार पत्राचार भी किया है। एक रामनगर से मुंबई बांद्रा रेलगाड़ी का संचालन सप्ताह में एक ही बार किया जाता है, मेरा आपसे निवेदन है कि इसको सप्ताह में 3 बार चलाया जाए। एक काठगोदाम से जम्मू को चलने वाली ट्रेन गरीब रथ भी सप्ताह में एक ही दिन चलती है, इसको भी 2 बार चलाया जाए, जिससे कि उत्तराखंड के में लोगों के आने के लिए भी सुविधा होगी, टूरिज्म के लिए भी होगी, और सेना के लोग भी जो कि यहाँ से जम्मू जाते हैं इस ट्रेन से, उनके लिए भी समय की काफ़ी बचत होगी। ऐसी लालकुआ से हावड़ा रेलगाड़ी भी सप्ताह में एक ही चलती है, इसको भी 2 बार चलाने का मेरा आपसे अनुरोध है। एक टनकपुर काठगोदाम रामनगर रेलवे स्टेशन से अभी तक दक्षिण भारत के लिए ट्रेन का संचालन नहीं किया जा रहा है, अतः मेरा निवेदन है कि इसको भी एक ट्रेन बेंगलुरु तक इसको चलाने का लगातार निवेदन मेरे द्वारा भी किया है। इस पर दोबारा से अगर आग्रह कर रहा हूँ कि इसको भी चलाया जाए। एक मेरा आग्रह मैंने पहले भी दिया है कि हम समय को और बचा सकते हैं, जैसा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग में हमने काम किया है, तो एक प्रस्तावित रेलवे लाइन का ट्रैक के लिए सरकार के माध्यम से सर्वे का काम हुआ है, जिसमें रामनगर से चखुटिया और गैरसैंण तक वो ट्रेन को जाना है, उसका सर्वे का काम हो रहा है। अगर हम चखुटिया से टनल के माध्यम से 10-12 किलोमीटर का टनल आएगा और उसको अगर हम गरुड़ बागेश्वर तक ले जाएंगे और फिर उसके बाद ओपन स्पेस में ले जा करके बागेश्वर होते हुए कपकोट तक, और कपकोट से फिर टनल दे करके मुलश्यारी, जो कि हमारा एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर लगता है, नीलम ग्लेशियर, वहाँ तक टच करके फिर धारचूला जौलजीबी तक हम इसकी कनेक्टिंग बढ़ा सकते हैं। मेरा रेल मंत्री जी से आग्रह है कि इस दिशा में भी हम काम करेंगे तो इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं रेल मंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर ये जो बिंदु मैंने बोले हैं, ये सीमांत पर्वतीय क्षेत्र में जिस प्रकार से आपने रेलवे को बढ़ाने का काम किया है, और ये काम भी अगर हो जाएंगे तो उत्तराखंड राज्य को विकास की धुरी में और तेज गति मिलेगी, ऐसा निवेदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। भीमताल विधानसभा के रामगढ़ ब्लॉक के छतोला गांव के पास सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। सभी लोग आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये वाहन एक सड़क से दूसरी सड़क पर जाकर पलट गया और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों का इलाज हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा है। इस सड़क हादसे में वाहन चालक और 7 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। घायलों में शंकर आर्य, कपिल, नीरज और कपिल की 2.5 साल की बेटी अदिति शामिल है। भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा ने मृतकों के परिजन और हादसे में घायलों की हर संभव मदद करने को कहा। सूचना पर पुलिस की टीम भवाली से मौके पर पहुंच गई और राहत बचाव कार्य में लगी। मेरे भीमताल विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ ब्लॉक के छतोला में एक गाड़ी की दुर्घटना होने की वजह से
दो लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें सूरज कुमार और ननी बिटिया पीहू की मृत्यु हो गई है। मैं उन दोनों की आत्मा की शांति की कामना करता हूं और जो लोग घायल हुए हैं उनके यथाशीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। और जो ही मुझे घटना की जानकारी मिली, मैंने तत्काल जिला प्रशासन के अधिकारियों को और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को घटना की जानकारी दी और मैं भी देहरादून में होने की वजह से मौके पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैं घायलों के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए और जिला प्रशासन से और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से उनको एक अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं मिले इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, और शासन और प्रशासन से जो भी मदद हो जाएगी होगी उसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा, और मैं घायलों के यथाशीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। और जो दो लोग भगवान को प्यारे हुए हैं और उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूं। जनपद टिहरी के विकासखंड बिलंगना मुख्यालय में स्वच्छता की ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जो कि स्वच्छ भारत मिशन योजना की धज्जियां उड़ा रही है। आपको बताते चले कि विकासखंड बिलंगना मुख्यालय में 182 ग्राम पंचायतों के प्रधानों का लगातार मुख्यालय में आना जाना लगा रहता है, लेकिन मुख्यालय में अब तक एक सामूहिक शौचालय की व्यवस्था नहीं हुई है। वहीं कार्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए भी अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिससे कि महिला कर्मचारियों में खासा रोष है। वहीं जब इस मामले में खंड विकास अधिकारी से वार्ता की गई तो पलक झपकते ही कागजी कार्यवाही का हवाला देने में देरी कैसे करते। विकासखंड मुख्यालय की जब ऐसी तस्वीर है तो क्या विकास के कार्य कैसे हो रहे होंगे ये साफ दिखता है। शौचालय के संबंध में वास्तव में यहाँ पर शौचालय की दिक्कत है। मेरे द्वारा जो है संबंधित विकास अधिकारी महोदय से पूर्व में पत्र प्रेषित किया गया कि यहाँ पर इस प्रकार की परेशानी है, विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, अतः महोदय से अनुरोध किया गया मेरे द्वारा सीडीओ महोदय से कि यहाँ पर जो है शौचालय हेतु जो है गंगा से शुरू करेंगे। संभवतः मुझे लगता है कि महोदय जो है इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत इस काम को की स्वीकृति प्रदान करेंगे। अगली बार जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सुसज्जित महिला शौचालय पुरुष शौचालय मिलेगा। चरण को बढ़ावा दिया जा रहा है हर जगह और महिलाओं के हक में हर कहीं बात कही जाती है। किसी भी फील्ड में अब जब महिलाएं जा रही हैं तो 30-40% हर विभाग में महिलाएं कार्यरत हैं, तो उनके लिए मैं सरकार से यही वो चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए पूरी व्यवस्था हो, क्योंकि सुलभ शौचालय एक महिलाओं के लिए होना अति आवश्यक है, क्योंकि महिलाएं ऐसी फिजिकल कंडीशन से गुजरती हैं जो कि हर कोई इस बात से अवगत है, तो इसीलिए उनके लिए पानी के साथ साथ जो शौचालय में पानी की सुलभ व्यवस्था के साथ साथ एक शौचालय की व्यवस्था होनी आवश्यक है, क्योंकि यहाँ कई सारी महिलाएं लाभार्थी आगंतुक आते रहते हैं जो कि कभी कभी हमें इस बात के लिए कहती हैं कि हमें शौचालय की वो जाने, क्योंकि कभी कभी इतनी विकट परिस्थिति भी आ जाती है कि महिलाओं को खुले में मतलब उसके लिए जाना पड़ता है, कि जो कि बहुत ही एक बहुत बड़ा ये ब्लॉक है इस तरीके से पूरे उत्तराखंड का, जिसके हिसाब से सबसे बड़ा ब्लॉक है उस हिसाब से यहाँ वैसी व्यवस्था कोई नहीं है महिलाओं के। बॉलीवुड अभिनेता राहुल सिंह कॉर्बेट नेशनल पार्क के फैन हो गए हैं। राहुल 3 दिन के भ्रमण में ढिकाला गए हुए थे। यहाँ पहुंचे फिल्म अभिनेता ने कहा कि कॉर्बेट बहुत सुंदर जगह है, लोगों को यहाँ प्रकृति का आनंद लेने आना चाहिए। उन्हें यहाँ बाघ की भी साइटिंग हुई, जिससे वह प्रकृति के करीब रहने का बोनस मानते हैं। उन्होंने पत्रकारों से खास बातचीत में अपनी आने वाली फिल्मों पर भी बात की। सबसे पहली चीज मुझे लगता है 3 दिन में तो माहौल बनने लगता है दिल और दिमाग के अंदर, और 3 दिन में ही हमें अपने निकाल दिया, ये मत कीजिए प्लीज़, इसकी अवधि बढ़ाइए। ये हमारे जैसे प्रकृति प्रेमियों की विनती है, तो आप इस स्टेटमेंट से खुद ही समझ जाइए कि कितना आनंद आया होगा। कई बार प्लान बनाया लेकिन किसी न किसी कारण से कभी पोस्टपोन हो जाए, कभी कैंसिल हो जाए। इस बार क्योंकि मैं उत्तराखंड में ही था 40 दिन से, एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था, तो बीच में ब्रेक मिला तो मैंने सोचा यहाँ आएँ, लेकिन फिर वो भी नहीं हो पाया। फिर मैंने कहा मैं रुकूँगा शूट कम्प्लीट हो जाए, ताकि किसी को मेरे से कोई कमिटमेंट कोई बाकी न रहे, और उसके बाद मैं कॉर्बेट आऊँगा। आया ढिकाला में रहा, और बहुत ही मेरा क्या है मैं आपको बताऊँ, मैं प्रकृति को एंजॉय करने के लिए जाता हूँ। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के ब्लॉक मुख्यालय सल्ट में ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष दीपक नेगी के नेतृत्व में ग्राम प्रधान शिष्टमंडल ने खंड विकास अधिकारी सल्ट तहसीलदार सल्ट को मनरेगा कुशल श्रमिकों का भुगतान करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्राम प्रधान अध्यक्ष दीपक नेगी ने कहा कि पिछले एक साल मनरेगा कुशल श्रमिकों का भुगतान नहीं मिल रहा है। सोमवार से ग्राम प्रधान संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी।
प्रधान संगठन अध्यक्ष के नेतृत्व में आज खंड विकास अधिकारी शल्ट को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रधान संगठन ने अपनी मांगों को लेकर पत्र दिया है। प्रधान संगठन का आरोप है सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर प्रधान संगठन जाएंगे। अपने कैमरामैन बलबीर विश्व के साथ पहाड़ टीवी से गोविंद रावत, शल्ट, अल्मोड़ा। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में अब 2 दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे में परीक्षा को लेकर छात्रों की टेंशन बढ़ गई है। विशेषज्ञों ने छात्रों को परीक्षा को लेकर टेंशन न लेने की सलाह दी है। कठिन प्रश्नों को हल करने में समय बर्बाद न करने और आसान सवालों का जवाब पहले देने की सलाह दी है। ऑनलाइन कक्षाओं से वंचित रहे बच्चे, अब सिर पर बोर्ड परीक्षा है। इंटरनेट नेटवर्क समस्या होने से स्कूल बंद होने के दौरान बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकी। स्कूल कॉलेज खुले तो बच्चों ने तैयारी शुरू की, लेकिन अब बोर्ड परीक्षा सिर पर आ चुकी है। ऐसे में उनकी आधी अधूरी पढ़ाई रही है। 28 मार्च से परीक्षा होगी, लेकिन बच्चों को तनाव है कि किस तरह से वो परीक्षा देंगे। शिक्षकों से लगातार संपर्क कर रहे हैं और परीक्षा में बेहतर अंक लाने के लिए लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। कोविड काल के दौरान कई महीनों तक स्कूल कॉलेज बंद रहे, इस कारण शासन के आदेश पर ऑनलाइन कक्षा का संचालन किया गया। लेकिन देहात क्षेत्र में खराब नेटवर्क और छात्रों के पास स्मार्टफोन की कमी होने के कारण बच्चे पढ़ाई से वंचित रहे। है कि 28 से हमारी बोर्ड परीक्षाएं यानी परिषदीय परीक्षा प्रारंभ हो रही है, तो पहले तो मैं सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूंगी, क्योंकि इतना जो पेंडेमिक का टाइम रहा उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कक्षाओं का संचालन किया गया, तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे हमारे जो ऑनलाइन प्रक्रिया से जुड़ ही नहीं पाए। गरीबी रेखा से नीचे होने के कारण या फिर पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होना या घर में ये सुविधाएं ना होने के कारण वास्तव में परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक डर उनके अंदर बना हुआ होगा। इसके लिए मैं उनको कहना चाहूँगी कि जितना भी समय हमने उन्हें ऑफलाइन पढ़ाया है, उन चीज़ों पर जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने ध्यान आकर्षित किया है, तो उनको ध्यान में रखते हुए परीक्षा की तैयारी करें और मनोबल को अपने ना टूटने दें। साथ साथ हमने बहुत ही प्रेरणास्पद जो उनको कहानियाँ सुनाई हैं और जो भी हम उनको नई नई बातें उनको बताई हैं, और परीक्षा को लेकर जो जरूरी महत्वपूर्ण बात कल हम उनकी एक यहाँ पर बैठक करना चाह रहे हैं और अपने बच्चों को उत्साहित करना चाह रहे हैं। परीक्षा एक उत्सव कार्यक्रम भी हम लोगों की तरफ से 22 मार्च को मनाया गया था, जिसमें बच्चों को हमने यही सब बातें बताई थी कि परीक्षा को एक उत्सव की तरह से लेना है। जैसे कि मैंने एक कोटेशन भी बोली थी, एग्जामिनेशन हॉल इज ए गार्डन ऑफ फ्लावर वेयर वी गो टू प्लक द फ्लावर ऑफ सक्सेस। तो जब ये चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे तब डरने की कोई बात नहीं है। मन स्थिति अपनी मजबूत रखनी है और पेपर को ध्यान से पढ़ना है और सब अच्छे से तैयारी करते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लास्ट एक नज़र डालते हुए हमें परीक्षा में बैठना है, तो सफलता निश्चित रूप से हमारी होगी। मेरा ये मानना है कि परीक्षा एक उत्सव की तरह बच्चों को लेनी चाहिए, बड़े खुश मिजाज तरीके से बिना तनाव के बच्चों को ये परीक्षा देनी चाहिए। जो कुछ उन्हें पिछले साल भर से पढ़ा है उसको ही वो पुनः पढ़ें, उन्हें इसके अलावा ज़्यादा न पढ़ते हुए, क्योंकि यहाँ क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होता है और उसमें बच्चे थोड़ा सा यदि मेहनत कर लें तो प्रश्न कोई भी कठिन नहीं होते, और हम बच्चों से यही आशा करते हैं कि वो अपने लगन से बिना किसी तनाव के अपनी तैयारी करें और किसी प्रकार का अपने मन में ये बोझ ना माने कि परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा है, उसे लाइटली लेना चाहिए और साथ ही नियमित रूप से उन प्रश्नों का जिन्होंने अब तक वो पढ़ते आए हैं उनका रिवीजन करते रहें। यदि उन्हें कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो अपने टीचर्स का सहयोग ले सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप है, उससे वे ग्रुप से टीचर से जुड़े हुए हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, और हमारे यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं और वो उन्हें निरंतर अपनी गाइडेंस के द्वारा उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे आने वाली परीक्षाएं हैं वो बहुत अच्छी होंगी, छात्र छात्राएं उनको अपने मनोयोग से देंगी और यदि उन्हें कोई समस्या होती तो उनका निराकरण के लिए सारे टीचर्स यहाँ पर तैयार हैं, हम भी उनका सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंशियारी में जिला स्वास्थ्य विभाग पिथौरागढ़ की ओर से लगाई गई 3 दिवसीय नेत्र शिविर कल 25 मार्च से प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंशियारी में कल सुबह से ही क्षेत्र के लोगों का आना जाना शुरू हुआ। वहीं कल सुबह लगभग 9 बजे से शुरू हुई शिविर में दोपहर तक लोगों का आना जाना जारी था। वहीं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया कि कल 385 लोगों द्वारा पर्ची काटी गई, वहीं ओपीडी में उनका चेकअप किया गया। स्वास्थ्य विभाग पिथौरागढ़ की ओर से सीएसई मुंशियारी में 3 दिवसीय नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 26 और 27 मार्च को भी शिविर जारी रहेगा और आंखों का ऑपरेशन किया जाएगा।
यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश उपाध्यक्ष गुरुप्रीत सिंह प्रिंस और जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह गोनिया के नेतृत्व में अतिक्रमण के नाम पर छोटे व्यापारियों और ठेले वालों के साथ किए जा रहे उत्पीड़न के विरोध में हल्द्वानी नगर निगम का बुद्ध पार्क में पुतला दहन का विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश सचिव राजू रावत ने कहा कि आमजन में निगम की इस मुहिम से भय का माहौल बना हुआ है। जिला उपाध्यक्ष हेमंत कुमार सूरज ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इस उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग करी। आज जो प्रदर्शन किया नगर निगम प्रशासन और हल्द्वानी के जो मेयर साहब है उनके खिलाफ किया, क्योंकि जो मेयर साहब है वो हल्द्वानी से भाजपा के प्रत्याशी थे और चुनाव की हार की जो बौखलाहट निकाल ले, क्योंकि नैनीताल जिले में एकमात्र सीट हल्द्वानी विधानसभा में कांग्रेस की आई है, तो मेयर साहब उसकी हार की बौखलाहट आम जो फल व्यवसायी है ठेला व्यवसायी है जो 300-400 रोज कमा करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं जीवन यापन कर रहे हैं उनको टारगेट किया जाए अतिक्रमण के नाम पर। क्योंकि एक तरफ तो जिला प्रशासन टेंडर जारी करता है और नगर निगम के लोग उनकी प्रतिदिन पर्ची काटते हैं और दूसरी दिन उन्हीं लोगों को चुनावी खुंदस निकालते हुए टारगेट किया जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं जो आम जन है उसमें कहीं ना कहीं भय का माहौल है। और हमारे जो हल्द्वानी के विधायक और देहरादून गए हुए थे आज वो आ चुके हैं, अभी इस पुतला दहन के बाद उनके आवास पर बैठक होगी और माननीय सुमित सिद्धेश जी के नेतृत्व में जो नगर निगम प्रशासन और जो मेयर साहब का जो तानाशाह रवैया है उसके खिलाफ सड़कों पर लड़ाई जाएगी। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री द्वारा कश्मीरी पंडितों के साथ हुए कश्मीर व अन्याय को लेकर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को काफी अधिक पसंद किया जा रहा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छी कमाई कर रही है। वहीं मसूरी में भी क्यारकुली भट्टल ग्राम प्रधान कौशल्या रावत द्वारा अपने 6 महीने के वेतन से ग्राम की महिलाओं को मसूरी कार्निवल सिनेमा में द कश्मीर फाइल्स को दिखाया गया। इस मौके पर फिल्म को देखते समय महिलाएं रोती हुई नजर आई। वहीं फिल्म समाप्त होने के बाद सब ने भारत माता की जय के नारे लगाए। मीडिया से बात करते हुए ग्राम प्रधान कौशल्या रावत ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स कश्मीर के पंडितों पर हुए अत्याचार पर आधारित है, ऐसे में इस फिल्म को वह अपने ग्रामवासियों को दिखाने के लिए उनके द्वारा अपने 6 महीने का वेतन एकत्रित कर मसूरी के कार्निवल सिनेमा को बुक कराया और महिलाओं को फिल्म दिखाई गई। ये फिल्म आई तो ऐसे ही घर में चर्चा हो रही थी, तो मैंने बोला हमारी कुछ फ्रेंड्स ने कहा हम सब चल के देखते हैं ये फिल्म, लेकिन जब हमने घर में बात की तो हमने डिसाइड किया कि हम क्यों ना हम ही क्यों देखें, हम पूरी ग्राम पंचायत की महिलाओं को ये फिल्म दिखाएंगे, क्योंकि जो सच्चाई अभी तक 30 साल से हमारे ये छुपी हुई थी वो आज जनता के सामने आई, तो हम भी और किस प्रकार से वहाँ महिलाएं प्रताड़ित की गई हैं और किस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार हुई है वो आज देख के मतलब दिल को दहला देने वाली फिल्म थी। चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, क्योंकि जो सच्चाई पूरे भारत से छिपी हुई थी पूरी दुनिया से छिपी थी आज वो दुनिया के सामने लेके आए हैं, लेकिन कोई और फिल्म को प्रमोट करे ना करे क्योंकि आज जनता उसको प्रमोट कर रही है, स्वयं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं विवेक अग्निहोत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो आज वो पूरी दुनिया के सामने सच्चाई को लेकर कैसे वो हमें आज देख के ऐसा महसूस हुआ, तो जिन्होंने ये चीज झेली होगी जिन्होंने ये चीज देखी होगी उन्हें कितना क्या महसूस हुआ होगा इन्हें, तो ये कश्मीर फाइल को देख के हमें बहुत ही आज हमने देखी है तो हमें बहुत ही दुख महसूस हुआ है और हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में कोई ऐसा माहौल हो, हमारे मोदी जी हैं तो हमें सब कुछ सही लगता है कि हमारे ही इंडिया के लोग हमारे कश्मीर में अपना कब्जा जमाना जाते थे और ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने हमारे इंडियन कश्मीर को कितना कत्ल किए हैं जो मतलब हमसे देखा नहीं महिलाओं ने या उन्होंने कितना दुख झेला होगा जो हमें इस तरह से अपने पूरा इतिहास दोबारा रचा के हमें रुला दिया। शायद वर्षों बाद कई महिलाएं तो ऐसी हैं जिन्होंने कभी थिएटर में कोई ऐसा चीज नहीं देखा, ये तो हमारा बहुत बड़ा इतिहास है, वो भी मातृशक्तियाँ रही होंगी जो उस समय उन्होंने उस कश्मीर में इस सब चीज़ को झेला है, आज एक मातृशक्ति समझ सकती है कि उनके ऊपर कितने अत्याचार हुए होंगे, कितने उन लोगों ने सहन किया होगा जिनके छोटे छोटे बच्चे घर, जब इंसान अपने घर से अनाथ होता है तो उसको कैसा लगता है, आज वो लोग कितने बिखरे हुए हैं वो शायद उनका दर्द आज हमारे दिलों का आज ही वो दर्द हमें छू रहा है जब हमने हकीकत में उसको देखा है, शायद हमारे इतिहास में किसी ने पढ़ा हो या हमने भी किसी से सुना हो कि कभी वहाँ पे ऐसा हुआ था, लेकिन हकीकत जो आज हम अपनी आंखों से देखा है तो दिल को बहुत ठेस पहुँची है। विगत वर्ष 2021 के जुलाई महीने में राहुल मेहता ने विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे सड़क मार्ग माना पास को साइकिल द्वारा सफलतापूर्वक पूर्ण किया, जिससे राहुल मेहता 18,399 फीट ऊंचे माना पास साइकिल से पार करने वाले पहले व्यक्ति बने, सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले पहले व्यक्ति बने, जिसके बाद एक बार फिर से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर उनको सम्मानित किया। इससे पहले भी दुर्गम पास गुप्त खाल के लिए उन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया था।
राहुल मेहता ने कहा कि उनका ये सम्मान उनके गांव और आने वाले युवाओं को समर्पित है, जिससे कि युवा प्रकृति के और करीब आ सके। नमस्कार, और एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का, जिन्होंने मुझे दूसरी बार प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और मुझे इस लायक समझा, इस लायक बनाया कि मैं आपका यह स्टेज प्राप्त कर सकूं। और धन्यवाद मैं करना चाहूँगा बॉर्डर पे बैठे इंडियन आर्मी और ITBP का, जिनका पूरा सहयोग रहा मेरे इस साइकिल एक्सपेडिशन के दौरान। और मैं धन्यवाद लोकल प्रशासन का, हमारे जोशीमठ क्षेत्र से, उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनका भी मेरे को सहयोग रहा। और इसी तरह से मैं चाहूँगा कि हमारे क्षेत्रवासी भी आगे बढ़ते रहे, नए नए प्लेटफॉर्म को अचीव करते रहे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद। सीओ डोईवाला पर एक युवती ने गाली गलौज और अभद्रता के आरोप लगाए हैं। सीओ डोईवाला रायपुर के ओली में रहते हैं, उन पर एक युवती ने गाली गलौज और अभद्रता करने के आरोप लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायती पत्र दिया है। इस आरोप पत्र में उन्होंने कहा कि युवती अपने आवास से 500 मीटर दूरी पर अपने भाइयों के साथ होली फार्म पर बैठी थी। ठीक उसी समय सीओ डोईवाला अनिल शर्मा अपने निवास स्थान ओली से जा रहे थे, जिन्होंने युवती से अभद्रता और गाली गलौज की। युवती ने कहा कि वो अपने भाइयों के साथ बैठी है, लेकिन क्षेत्र अधिकारी ने उन्हें बहुत गंदी गंदी गालियां दी। अपने शिकायती पत्र में उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इस घटनाक्रम को लेकर पुलिस क्षेत्र अधिकारी पर तुरंत एक्शन लेकर कार्रवाई करने के लिए गुहार लगाई है। उन्होंने आरोप पत्र में यह भी कहा है कि यदि इस पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती तो वार्ड नंबर 66 के सभी लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर जब पुलिस क्षेत्र अधिकारी डोईवाला अनिल शर्मा से फोन पर बात की गई तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। फिर भी यदि किसी ने शिकायती पत्र दिया है तो वो अपने अधिकारियों को इस बारे में अपना पक्ष रखकर बताएंगे। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।